INS विक्रांत। 2 सितंबर को इसका पुनर्जन्म हुआ। पीएम मोदी ने इसको इंडियन नेवी को सौंपा। नया INS विक्रांत भारत में बना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। INS विक्रांत की कहानी शुरू होती है 4 मार्च 1961 से। उत्तरी आयरलैंड का बेलफास्ट भारतीय उच्चायुक्त विजयलक्ष्मी पंडित ब्रिटेन से खरीदे गए HMS हरक्यूलिस के डेक पर पहुंचती है। उन्होंने यहां पर इंडियन नेवी का झंडा फहराया। नेवी में शामिल होते ही इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम रखा गया INS विक्रांत। 31 जनवरी 1997 को नेवी से रिटायर होने तक 36 सालों में INS विक्रांत ने देश की बड़ी सेवा की। 1971 की जंग में INS विक्रांत ने अपने सिहोक लड़ाकू विमानों से बांग्लादेश के चिटगांव, कॉक्स बाजार और खुलना में दुश्मनों के ठिकानों को तबाह कर दिया था। नया INS विक्रांत भारत में बना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। आइए अब जानते हैं INS विक्रांत के पुनर्जन्म की पूरी कहानी। सन 99 की कारगिल जंग के बाद भविष्य के खतरों से निपटने के लिए भारत ने एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का प्रस्ताव रखा, जो कि स्वदेशी हो अर्थात वह भारत में निर्मित हो। इंडियन नेवी के पास ऐसे युद्ध पोत ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस तो था, बट बनाने का नहीं था। सन 2002 में इस प्रोजेक्ट को अटल सरकार ने कैबिनेट कमेटी में ऑन सिक्योरिटी में मंजूरी दे दी और कोचिन CPR लिमिटेड में CSL, जो कि आप जानते हैं कोचिन CPR लिमिटेड है, इसका कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया। शुरुआत में जब इसका निर्माण स्टार्ट हुआ तो यह 60-40 के अनुपात में बनना था, यानी कि 60% भारतीय सामान और 40% विदेशी सामान हो। 2005 तक सब कुछ ट्रैक पर था, तभी रूस ने वॉरशिप ग्रेड स्टील देने से इनकार कर दिया। एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए खास तरह के स्टील की जरूरत होती है, इसे वॉरशिप ग्रेड स्टील कहा जाता है, जिसके लिए भारत रूस पर निर्भर था। रूस के मना करने पर INS विक्रांत का कंस्ट्रक्शन करीब 2 साल तक थमा रहा। इसी बीच भारतीय दो संस्थान DRDO और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मिलकर आपदा को अवसर में बदला। भारत ने खुद का वॉरशिप ग्रेड स्टील डेवलप कर लिया था, जिसे दूसरे देशों पर निर्भरता हुआ खत्म हो गई थी। सन 2009 में INS विक्रांत की कील रखी गई, यानी कि युद्ध पोत का प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन शुरुआत हो चुका था। 29 अगस्त 2011 को INS विक्रांत ड्राई डॉक से बाहर निकलकर बाहर आया, यानी कि इसका स्ट्रक्चर ढांचा बनकर तैयार हो चुका था। 12 अगस्त 2013 को इसे लॉन्च किया गया और दिसंबर 2020 में बेसिन ट्रायल पूरे कर लिए गए। 2021 अगस्त की अगर बात करें, 4 अगस्त 2021 को पहली बार इसे समुद्र में उतारा गया। जुलाई 2022 तक इसके सी ट्रायल पूरे हो चुके थे। 2022 सितंबर 2 को INS विक्रांत भारतीय नेवी में कमीशन किया गया। पूरी तरह ऑपरेशन होने में जनवरी 2023 तक का वक्त लगेगा। इसके लिए रूस से कुछ ट्रेंड इंजीनियर इसकी ट्रेनिंग के लिए भारत आएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका ने फिलहाल रूस पर बैन लगा रखा है, इसलिए इसमें कुछ देरी हो सकती है। INS विक्रांत को एक चलता फिरता शहर भी कहा जा सकता है। आइए हम जानते हैं इसकी पूरी खूबियों के बारे में। इसमें 8 LM 2500 गैस टर्बाइंस है, जो 88 MW पावर जनरेट करेंगे। इससे आधे कोची शहर को बिजली दी जा सकती है। विक्रांत में 14 डेक है, जो 10 मंजिला इमारती की तरह दिखता है। इसमें कैंटीन के साथ साथ मॉडर्न किचन भी है, जहां 1 घंटे में टोटल 1700 लोगों का खाना बनाया जा सकता है। इसमें मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल भी बनाया गया है, जो के साथ साथ एक स्विमिंग पूल भी है। ये एक बार ईंधन भरने पर 45 दिन तक समुद्र में रह सकता है। इसे समुद्र में ही रिफ्यूल भी किया जा सकता है। इसका रनवे 2 फुटबॉल फील्ड के बराबर है। पूरी तरह लोड होने पर इसका डिस्प्लेसमेंट करीब 42,800 टन और इसकी मैक्सिमम स्पीड 51 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। आइए अब टारगेट एलिफेंट की सुरक्षा के बारे में समझते हैं। INS विक्रांत टारगेट एलिफेंट है, यानी ये इतना विशाल है कि जंग के समय इसे छुपाया नहीं जा सकता, इसलिए सुरक्षा के कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। आइए जानते हैं डिटेल से। विक्रांत में 32 मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल होगी। ये A6 630 रोटरी कैनन से लेस होगा। इंडियन एंटी मिसाइल नेवल डेकॉय सिस्टम से लेस है, जो लेडर गाइडेड मिसाइल को टारगेट से डाइवर्ट कर देता है। सबमरीन भी बेड़े में शामिल। इंडियन नेवी के कुछ डिस्ट्रॉयर्स, कुछ कलवरी क्लास सबमरीन भी बेड़े में चलेंगी।
इस तरह आईएनएस विक्रांत का पूरा एक बैटल ग्रुप रहेगा। इसके अलावा किसी एयरक्राफ्ट कैरियर के सबसे बड़ी हथियार होते हैं उसके एयरक्राफ्ट। आईएनएस विक्रांत पर MiG-29 के जैसे फाइटर जेट्स और MH-60R जैसे एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर तैनात होंगे। आईएनएस विक्रांत 76% भारतीय है, अर्थात रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आईएनएस विक्रांत का 76 हिस्सा पूरी तरह भारतीय है। इसके बनाने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की गिनती में शामिल हो गया है जो एयरक्राफ्ट कैरियर डिजाइन करने और बनाने में सक्षम है। आईएनएस विक्रांत को बनाने में 500 से ज्यादा भारतीय कंपनियां शामिल हुई। इनमें से कुछ प्रमुख है, DRDO और सेल ने मिलकर वॉरशिप ग्रेड स्टील मुहैया करवाया। टाटा एडवांस सिस्टम ने विक्रांत का कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL ने इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर और डेटा नेटवर्क बनाया है। BHEL हेवी इलेक्ट्रिकल ने इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया। लॉर्सन एंड टर्बो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और वारसिला इंडिया जैसी कंपनियों का भी बड़ा योगदान रहा है। आईएनएस विक्रांत का मेन इंजन और एडवांस रडार सिस्टम विदेशों से खरीदा गया है। टेक ऑफ और लैंडिंग की बात करें तो एयरक्राफ्ट कैरियर को समंदर में तैरता हुआ एयरबेस कह सकते हैं, जहां से लड़ाकू विमान टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं। आमतौर पर एयरपोर्ट के एयर स्ट्रिप 3000 मीटर लंबे होते हैं, लेकिन आईएनएस विक्रांत सिर्फ 200 मीटर में मैनेज करेगा। आपने गौर किया होगा तो आईएनएस विक्रांत की नाक उठी हुई है, टेक ऑफ में मदद करने के लिए बनाया जाता है। इसे स्टोबार शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम कहते हैं। आगे का हिस्सा उठा हुआ होने की वजह से एयरक्राफ्ट सीधे जाने की बजाय कारवा के जरिए ऊंचाई में चला जाता है। इसी तरह लैंडिंग के लिए अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है। डेक पर 3 अरेस्टेड वायर लगे हैं। लैंडिंग के वक्त एयरक्राफ्ट की टेल इसमें से किसी भी वायर या पर हुक हो जाएगी, इससे वो कम दूरी में ही रुक जाएगा। अगर कोई एयरक्राफ्ट कैरियर वायर से सेट नहीं हो पाता है तो उसे दोबारा लैंडिंग की कोशिश करनी पड़ेगी। इसमें स्टोबार के अलावा एक सिस्टम कटोबार भी होता है। इससे एयरक्राफ्ट को गुलेनुमा सिस्टम से हवा में रिलीज किया जाता है। कोचिन शिपयार्ड के चेयरमैन मधु नायर के मुताबिक एक्सपीरियंस न होते हुए भी 13 साल में महज 20,000 करोड़ में इतना विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर बनाकर हमने दुनिया को दिखा दिया है कि इंडियन इंडस्ट्रीज क्या कर सकती है। फिलहाल भारत के पास सिर्फ आईएनएस विक्रमादित्य था और अब आईएनएस विक्रांत भी बेड़े में शामिल हो जाएगा। इसके अलावा अभी जो प्रोसेस चल रही है वो चल रही है आईएनएस विशाल की। कोची शिपयार्ड सरकारी कंपनी है जो कि 1972 में शुरू हुई थी। अपनी 50वीं सालगिरह पर आईएनएस विक्रांत जैसा बड़ा जहाज बना लेना पूरे देश के लिए गर्व की बात है। 2 सितंबर 2022 को भारतीय नेवी को वर्षों से गुलामी की जंजीरों से भी मुक्ति मिल गई। भारतीय नेवी को एक नया ध्वज भी नरेंद्र मोदी ने दिया, जो कि फादर ऑफ नेवी अर्थात छत्रपति शिवाजी महाराज शिवाजी को समर्पित किया गया। आने वाले समय में भारतीय नेवी को और भी ताकत मिलेगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। देश की नेवी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।